बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। एक टॉपिक चल रहा था जहन के अंदर कि ये क्या जोगी भी बाबा होता। तो कई महीनों से इसके पीछे लगा रहा मैं, काफ़ी लोगों से मुलाकात करी। तकरीबन लोग ये मिले कि हाँ हमें मिले हैं, और किसी ने कुछ ना कुछ दे दिया तो काम बन गया। हमने तो ये सुना था कि सिलसिले चले आते हैं, कादरिया चुतिया और दीगर बहुत से जो सिलसिले हैं, जो हम जैसे आम लोगों को तो बिल्कुल नहीं पता कि अल्लाह वाले किस रूप में आ जाते हैं। और ये जंगल बियाबान वीरानों में जाके किस किस्म की इबादत है वो जो करते हैं अल्लाह पाक से महबूब करें। तो ये इस पर छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आया, शुरू किया। तो तकरीबन लोग यही मिले कि उनकी दुआओं से सब कुछ है। तो सपेरों के पास जाया था मैं, सपेरों के पास गया, मैंने कहा आपके पास क्या है? तो वो तो सिर्फ एक मनके की बात करते हैं और वो गिदर सिंगी की बात करते हैं। इसके अलावा लोगों को मैंने देखा कि उनके पास जाते हैं, वो पत्थर दे रहे हैं, अंगूठी पहननी है, हालात अच्छे हो जाएंगे, बाबा दुआ करते हैं। तो मुझे तो बड़ी हैरत हुई। तो जोगी ये है तो फिर जोगी वो कौन है? मैंने एक गैर मुस्लिम से पूछा तो बोला हिंदू वर्ड है जोगी, और जो हमारे आम लोग मुसलमान कहते हैं वो उसे दरवेश कहते हैं। जोगी और दरवेश क्या मतलब? बोले जोगी जो है वो जग जग घूमने वाला, और दरवेश जो है दर दर घूमने वाला। उनका कोई दर नहीं होता, वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, ना वो किसी से पैसे लेते हैं, ना खाना मांगते हैं। पता नहीं कैसी लाइफ होती है, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो काफ़ी लोगों से मिला मैं, तो तकरीबन मिलने वाले लोग मुझे यही मिले कि हाँ यार हमें ये चीज़ दे दी और हमें ये बात बोल दी। जैन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता था इस चीज़ को, क्या ऐसा भी कुछ होता है। तो अभी रिसेंट आज है तारीख, आई थिंक आज 20 तारीख, और पिछली भी जो 22 तारीख गई है, मेरे दोस्त की बेटी का निकाह था। हम असर की नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकले, तो वैसे ही बाबा बैठे हुए थे, वैसे तो बहुत सारे फकीर। उसके पास गया, कुछ पैसे दिए, बोला बाबा दुआ करना खैर खैरियत से मेरे बच्चे की शादी हो। वो एकदम से बोले बोले 22 तारीख को तो नहीं होगी। अच्छा, हमने भी सुनी अनसुनी करके हम आगे चले गए। तो आगे गए और जैसे ही उनको ख्याल आया, यार आपने ये तारीख वारीख बता दी कि 22 तारीख को नहीं होगी। वो बिल्कुल टेंशन में आ गया थोड़ा, पापा ने बोल दिया है, पता नहीं कौन है ये, 22 तारीख को नहीं होगी। बड़ा परेशान हुआ, हम वापसी गए मस्जिद की तरफ, तो वो बाबा नजर नहीं आए। बहरहाल हकीकत यही हुआ कि 22 तारीख को निकाह नहीं हुआ उनका। 22 तारीख को मेरे दोस्त की वाला का जो निकाल हो गया, वो तारीख चेंज हो गई, 28-29 पर चले गई। बड़ा झटका मिला कि शायद मैं ढूंढ रहा था तो अल्लाह ने ये चीज़ मेरे सामने ले आया। उसके बाद हम बार बार उस मस्जिद की तरफ जाते थे हर नमाज के लिए, तो शायद मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं मिला। शायद कुछ ऐसा सिलसिला है ये। तो मुफ्ती आज़ाद से भी मिला मैं, उनसे भी बात की, उनकी ऑडियो मैंने लगाई है दुनिया का जरूर। वो जितने लोग भी मिले, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोई ना कोई तरीके से किसी ना किसी की मदद करके चला गया। कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं अल्लाह वाले लोग, समझ से बाहर आता है। और मुझे किसी ने कहा कि यार मजीद जो है आप इसकी देख में मर जाए, तो मामला अच्छे नहीं है, ख़राब हो जाएंगे। तो जो अल्लाह कर रहा है ना वो करने दें, अल्लाह अपने बंदों से काम करवाता है, चलाता है। पता नहीं अल्लाह कहाँ से भेजता है ऐसे बंदे, अल्लाह के फरिश्ते हैं वो जो अल्लाह मदद के लिए भेज देते हैं। वली है कौन है, बाखुदा ये हमने नहीं आया, बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा, किसी ने भी इस पर माकूल जवाब मुझे नहीं। एक छोटी सी कोशिश की मैंने, आप तक ये बात पहुँचे, और आप में से कोई ऐसा शख्स हो, कोई भाई जिसे इल्म हो, वो ज़रूर बताएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए, अरे हमारे इल्म में भी इजाफा हो। इंशाल्लाह दिन मुलाकात रहती है आपसे बहुत जल्द, एक नई जगह, हॉन्टेड जगह, जहाँ पर एक मुनफरिद सी इन्वेस्टिगेशन है, हम कहीं देखने मिलेगी आपको, और सच्ची इन्वेस्टिगेशन है। ज़रूर देखिएगा, अपनी नेक दुआओं में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम। Yeah.